नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो और कुछ नए विचार आप लोगों के बीच में लेकर आज फिर हाजिर हूं। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी, जो भी आप माने। दोस्तों, आज एक विचार आया जिस पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। कहते हैं जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो मुर्दे जाते हैं। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर, दूसरों के सहारे तो मुर्दे जाते हैं, जनाजे जाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से कामयाबी है। कामयाबी भी अपने दम पर ली जाती है। किसी के सहारे कामयाबी नहीं आ सकती, स्वयं की जिम्मेदारी से कामयाबी आती है, निर्भरता से कामयाबी नहीं आती। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो जब वो कामयाब होगा तभी तो आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आपके पास आपके स्वयं की जिम्मेदारी है, तो पूरी दुनिया में कोई कामयाब ना हो आप कामयाब होंगे, क्योंकि आपके पास स्वयं की जिम्मेदारी है। ये बात मुझे मेरे दादाजी ने सिखाई थी बचपन में, कि अगर कामयाब होना है तो स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए। और यही मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, और इसे आप प्रैक्टिकली देखिए। दोस्तों, आज अमिताभ बच्चन अगर कामयाब है तो किसके साथ है? स्वयं की जिम्मेदारी ली। अगर आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है तो किसके साथ है? क्या सौरव गांगुली के खेलने से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए? क्या राहुल द्रविड़ की वजह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान बन गए? क्या अमिताभ बच्चन जितेंद्र और धर्मेंद्र की एक्टिंग करने की वजह से फिल्मों के महानायक बन गए? सोचिए, आप सोचिए। स्वयं की जिम्मेदारी ली ना, अपने दम पर फिल्में हिट कराई, अपने दम पर सचिन ने मैच जिताए। तब जिताए जब 11 के 11 खिलाड़ी असफल हो रहे थे, उस समय फिर लोगों का विश्वास आया कि हां, इसके अंदर कुछ अलग है। तब लोगों ने उन्हें सलाम करना शुरू किया। जब तक हम अपने दम पर कामयाब होकर दुनिया को, रिश्तेदारों को, अपने परिवार को नहीं दिखाएंगे, तब तक वो हमें सलाम कैसे ठोकेंगे? खुद सोचिए, आप किसको सलाम ठोकना चाहेंगे? आपका दिल किसको सलाम करने के लिए अंदर से प्रेरित होगा? एक ऐसे इंसान को जो किसी के सहारे कामयाब हुआ हो, या एक ऐसे इंसान को जो अपने दम पर कामयाब हो? आप किसे सलाम करना चाहेंगे? जिसके लिए रास्ता आसान रहा हो, पर चीजें आसान रही हो, किसी ने उसको दुपतारा नहीं हो, किसी ने लताड़ा नहीं हो, किसी ने उसका विरोध नहीं किया हो, कोई उसके ऊपर हंसा नहीं हो, उसने जिससे कहा हो वही उसकी बात मान लिया हो, और फिर वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हो जाए। क्या ऐसे इंसानों के ऊपर कभी आपका दिल उनको सलाम करेगा? या एक ऐसा इंसान आपको पता चले जिसके कदम कदम पर परेशानी थी, पूरी दुनिया जिसको कह रही थी ये कुछ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया जिसका विरोध कर रही थी, जिसको दुत्कार रही थी, लताड़ रही थी, लेकिन उस इंसान ने अपने स्वयं की जिम्मेदारी ली कि मैं करके दिखाऊंगा, और उसने वो कामयाब हुआ। किसको सलाम करेंगे आप? यही चीज अपने ऊपर लागू करें। आपके साथ भी तो यही हो रहा है, फिर आप क्यों परेशान हो जाते? और किसी के सहारे मत रहिए। जीएमबीटी में अगर आपको डायमंड बनना है, तो ना डाउनलाइन के सहारे रहिए, ना अपलाइन के सहारे रहिए। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है। लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग में मैं देख रहा हूं, मेरा ये अनुभव है कि ये सहयोग की भावना एक इंसान को कमजोर बना दे रही है। मेरी अपलाइन बिजनेस देगा तब मैं बिजनेस करूंगा,
मेरी डाउनलाइन बिजनेस करेगा तब मैं बिजनेस करूंगा, डाउनलाइन अगर छोड़ के जा रही है तो मैं नई टीम नहीं बनाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। दोस्तों इसमें कौन सी काबिलियत आपकी दिखेगी? काबिलियत तो तब दिखेगी जब परिस्थितियां विपरीत हो, ट्रैफिक हो और उसमें से आप गाड़ी निकाल ले जाए। कामयाबी काबिलियत तो तब दिखेगी जब 11 खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खड़े होते हैं फिर भी आप चौके और छक्के मार के दिखाए, तब ताली अपने आप बजती है। लेकिन मैदान में कोई हो ही ना और आप चौका मार दें फिर तो गेंद अपने आप रेंगते हुए बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूं? दोस्तों किसी भी फील्ड में, आज आप राजनीति ले लो, कोई भी फील्ड ले लो, अपने दम पर खड़ा होना होता है। अगर आज मोदी जी भाजपा में प्रधानमंत्री हैं तो किसी के सहारे नहीं, अपने दम पर उन्होंने झंडे गाड़े। अगर आज मायावती मुख्यमंत्री बनती है बसपा की तो अपने दम पर, किसी के सहारे नहीं। कोई भी मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, मैं किसी भी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूं, बस इतना ये कह रहा हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग को आप सच्चाई में लाइए। आपको अगर डायमंड बनना है जेएमबीडी में तो आपको अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी आप बन पाएंगे डायमंड। कोई करे कोई ना करे, ये कंपनी है, ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, मुझे अपना नेटवर्क तैयार करना है, मुझे बिजनेस वॉल्यूम पैदा करना है, मुझे अपने स्टोर खुलवाने हैं, मुझे सीखना है। आपसे दुनिया शुरू होती है, दुनिया से आप शुरू नहीं होते, पूरी दुनिया मिलकर एक लीडर पैदा नहीं कर सकती, लेकिन एक लीडर पूरी दुनिया पैदा कर सकता है। पूरी दुनिया मिलकर एक सिकंदर को नहीं जीत पाई, लेकिन एक सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती। पूरा देश मिलकर एक गांधी नहीं पैदा कर सकता, लेकिन एक गांधी भारत जैसे हजारों देशों को आजाद करने का दम रखता है। स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए, लीडर बनिए, मेरा आप लोगों को यही संदेश है। जेएमबीटी का जो सपना है दोस्तों बहुत बड़ा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस भारत के लिए दिए इन सबने बलिदान, बनाना है हम सबको मिलकर वैसा भारत। इन लोगों ने, मंगल पांडे जी ने, भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुभाष जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, चाणक्य जी ने, रानी लक्ष्मीबाई जी ने स्वयं की जिम्मेदारी ली, कभी किसी के सहारे नहीं रहे। और इसीलिए आज इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों की पिक्चरें हैं, इनके जमाने में भी देश बहुत बड़ा रहा। और हम लोग जब जेएमबीडी का हर व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी लेगा, सोचिए फिर जेएमबीडी कहां जाएगी। तो हमें छोटी सोच से बाहर आना है, स्वयं की जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज होना है तो स्वयं की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इतिहास के पन्नों में कभी सहारा मांगने वाले लोगों का नाम दर्ज नहीं होता, इतिहास के पन्नों में हमेशा सहारा देने वाले लोगों का नाम दर्ज होता है। इतिहास के पन्नों में कभी भीड़ में चलने वालों का नाम दर्ज नहीं होता, इतिहास के पन्नों में हमेशा अपने पीछे भीड़ को चलाने वाले लोगों का नाम दर्ज होता है। और यह तभी होगा जब आप स्वयं की जिम्मेदारी लेंगे, अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे कि जेएमबीडी मैं अपने दम पर अपनी टीम खड़ी करूंगा, कुछ मुझे मिल जाए वो सिस्टम की देन है, वो धन्यवाद है, लेकिन अगर कुछ ना मिले तो मैं गलत तरीके से ये सोचकर कि मेरी डाउनलाइन काम नहीं कर रही है, मेरा अपलाइन मेरा साथ नहीं दे रहा, इसलिए मैं जेएमबीडी नहीं करूंगा, ये गलत सोच है। अगर आपकी अपलाइन साथ नहीं दे रही है, कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, आप कंपनी से संपर्क करें, कंपनी आपका सहयोग करेगी। इतना अच्छा जेएमबीडी बिजनेस जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, उसमें आप केवल अपने अपलाइन के सहारे क्यों हैं?
आपके अपलाइन के भी कई अपलाइन होंगे, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपका सहयोग करेगी। आपकी कुछ डाउनलाइनें अगर काम नहीं कर रही तो क्या उन्हीं दो चार डाउनलाइनों के जरिए आप डायमंड बनने आए थे? उन्हीं 10-20-25-50 लोगों के जरिए आप अपने को डायमंड बनाकर 1 करोड़ कमाने आए थे? और आज अगर वो नहीं है या वो जिंदगी छोड़ रहे हैं तो आप भी छोड़ के अपना भविष्य दुखमय कर लेंगे। युद्ध के मैदान में जब सैनिक लड़ता है और कोई सैनिक मर जाता है तो क्या वो भी भाग जाता है? वो भी कहता है कि अब देश को हम नहीं बचाएंगे, अब तो ये लोग मर गए इसलिए मुझे भी मरना है। क्या ये सैनिक की परिभाषा है? सैनिक की परिभाषा दोस्तों ये है, पूरी सेना खत्म हो गई हो लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो अपने देश को बचाने का काम करो, अपने को जिताने का प्रयास करो, इसे सैनिक की परिभाषा कही जाएगी। तो दोस्तों लीडर बने, सेनापति बने, खुद को जीते, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जीत पाएंगे तो आप दुनिया को नहीं जीत पाएंगे। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो आप दुनिया पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। मेरा आप लोगों से यही कहना है। जेएनबीडी 2047 के लिए शुरू हुआ है दोस्तों, घर घर में हम लोगों को जेएनबीडी पहुंचाना है, जेएनबीडी की गहराई समझाना है, जेएनबीडी के उद्देश्य को समझाना है। ये जेएनबीडी पैसा आपको भूसे की तरीके से देगी दोस्तों, 5-10 साल इसको करके भी देखिए, आने वाले समय में जेएनबीडी आपको भारत रत्न दे सकता है। आने वाले समय में आपको जेएनबीडी सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन से बड़ा नाम दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, सर्कल दे सकता है। इतनी सारी चीजें जिसके अंदर समाई हूं उसे किसी के सहारे मत कीजिए, बल्कि सहारा बनिए। जो ऐसे लोग दिखें जो किसी के सहारे हो उनका सहारा बन जाइए कि अगर तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं जेएमबीडी का सेवक हूं, मैं जेएमबीडी का सच्चा। दोस्तों सेवक में बहुत बड़ा दम है। राम जी भगवान थे, हनुमान जी सेवक थे, आज ज्यादा मंदिर हनुमान के हैं। आप ही मत सोचिएगा कि जेएमबीडी का सेवक एक छोटा शब्द है, सेवा में ही मेवा है। किसी भी फिल्म में विलेन अमीर होता है, हीरो गरीब होता है, लेकिन अंत में हीरो वही बनता है। तो हम सबको जेएमबीडी का सेवक बनना है और जेएमबीडी को घर घर पहुंचाना है, जेएमबीडी के उद्देश्यों को समझना है और कभी किसी के सहारे नहीं रहना, हमेशा सहारा बनना है। क्योंकि अगर आप किसी के सहारे रहोगे तो किनारे हो जाता है, लेकिन जब आप सहारा बनते हो तो बहुत सारे लोग आपके किनारे आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा और अपने विचारों से आप लोगों को लगातार मोटिवेट और एजुकेट दोनों करता रहूंगा। एक ही चीज ठाना है, जेएमबीडी को नंबर वन बनाना है और आप सबको नंबर वन बनाना है और 2047 में रुपए को डॉलर से ऊपर लेकर जाना है। फिर मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।